16 मसाले? हाँ 16 मसाले। अरे वाह। हाय, मैं हूँ आपकी प्यारी वाली वीजे आमन, जो आपको रेडियो सुनाती नहीं बल्कि रेडियो दिखाती। और आज आप लोगों को दिखाने के लिए एक बहुत ही खास चीज़ है वोकल फॉर लोकल में। आप लोग अगर पंचकुला के अंदर रहते हैं, ट्राई सिटी में रहते हैं, स्पेशली पंचकुला वाले लोग ये सोचते हैं यार जूस की रेडियाँ बहुत सारी देखिए, जूस शॉप्स बहुत सारी देखिए, लेकिन यार चाट खाने का मन है, चाट कहाँ से मिलेगी, फ्रूट चाट। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी ही आउटलेट को कवर करने के लिए आए हैं फ्रूट चाट के सेगमेंट के अंडर में, जहां पर आप पंचकुला में अगर रहते हैं, पंचकुला के आसपास रहते हैं, तो ठीक सेक्टर 8 पंचकुला के अंदर, यानी कि ठीक शालीमार मॉल के ठीक ऑपोजिट रोड क्रॉस करके, यहां पे आपको मिलेंगे धर्म सिंह जी, जो कि ये बहुत ही शानदार जो है वो शॉप चला रहे हैं अपनी फ्रूट चाट की। और केवल फ्रूट चाट नहीं है, यहाँ पर जूस भी है, और पिछले 32 इयर्स से ये चला रहे हैं। तो मुझे लगता है हम सबको आगे आगे अपने लोकल के लिए वोकल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं वोकल फॉर लोकल। तो धर्म सिंह जी, हम कुछ खास बातें जानना चाहते हैं आपकी इस दुकान के बारे में। तो आप किस किस तरह की चाट बनाते हैं? सर जी, केला है, सेब है, संतरा है, बप्पू गोश है, पाइनएप्पल है, और 12-16 मसाले हैं जी, और नींबू डालते हैं, अच्छी तरह चाट बनाते हैं, बढ़िया करते हैं। 16 मसाले का इस्तेमाल करते हैं? अरे वाह। तो इतने मसाले, मतलब कौन कौन से मसाले हैं आपके पास? मसाले है, एक इसमें सारा मिक्स कर रखा है। अच्छा, 16 मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। सारों को पता है पंचकुला में, ऐसी बात नहीं। जी जी। और जूस भी बनाते हैं? हाँ, जूस। जूस में क्या क्या ऑप्शन है? जूस में जी अनार रहेगा, और अपना वो मौसमी रहेगा जी, पाइनएप्पल रहेगा जी। तो आप ये 32 साल से चला रहे हैं पिछले? हाँ जी। तो लोगों का रिस्पॉन्स कैसा आता है? बहुत बढ़िया कहते हैं, बहुत स्वाद बनाते हैं जी। हाँ जी। और आपको खुद को कितनी पसंद है फ्रूट चाट? मेरे को खुद पसंद है, मैं खुद खाता हूँ जी। और आपको, अच्छा, लोगों को आपको क्या लगता है कि लोगों को यहाँ पे क्यों आना चाहिए आपकी फ्रूट चाट खाने के लिए? इसलिए आते हैं जी, अच्छी चीज़ बनाते हैं जी, अच्छा सामान बनाएंगे तब तभी कस्टमर आएगा, अच्छी गलती बनाएंगे तब कस्टमर नहीं आएगा जी। और अभी इसमें क्या है? इसमें बना के दिखाते हैं जी। जी, बना के जरूर दिखाइए। अभी आप क्या बनाने लगे हैं? आप फ्रूट चाट बनाते हैं जी? बिल्कुल बनाइए। तो अभी एप्पल काटा जा रहा है सबसे पहले, मुझे तो बहुत पसंद है जूसी जूसी एप्पल। और अब आप काटने लगे हैं सरदा जी, तरबूज काट दिया, सरदा काट दिया, तरबूज ठीक है, ये काट दिया, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल ये काट दिया, केला, अब क्या डालेंगे आप? अब शकरकंदी डालेंगे, शकरकंदी जी। शकरकंदी को स्वीट पटैटो भी कहा जाता है, दोस्तों को मैं बता रही हूँ जिनको नहीं पता व्यूअर्स को। ये काट रहे हैं बब्बू गोशा, बब्बू गोशा, वाह। ये काट रही पपीता, और इसमें डालेंगे जी मसाला जी, 16 मसाले। हाँ, 16 मसाले। अरे वाह। और ये नमक? ये खांड है, पूरा चीज। अच्छा, ये इमली की चटनी है, इमली की चटनी, इमली और अंगूर, अंगूर की चटनी। अब इसमें डालेंगे जी नींबू, जूसी जूसी नींबू, चटपटा चटपटा। अब इसको हिलाएंगे। हाँ, मिलाएंगे। तो ये 16 जो
मसाले थे वो मिक्स हो चुके हैं। हाँ जी हो चुके हैं जी, आप खा कर देख लो टेस्ट। बिल्कुल और दोस्तों आप देख सकते हैं हाइजीन का भी बहुत ध्यान रखा जाता है क्योंकि आपको डिस्पोजेबल प्लेट्स में मिल रहा है और इसको आप रीयूज़ नहीं कर, ऑब्वियसली रीयूज़ नहीं होते हैं तो डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं। भैया चम्मच भी दे दीजिए। शुक्रिया। टूथपिक, ओके। तो अभी आप लोग ये देखिए शानदार प्लेट जो है वो हो गई है तैयार और अभी मैं इसको टेस्ट करने वाली हूँ, खाने वाली हूँ और मैं आपको बताने वाली हूँ कि 16 मसाले जो इसके अंदर डाले हैं उसका टेस्ट कितना अच्छा आ रहा है, कितना लाजवाब आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं पपीते से। अंगूर की चटनी का टेस्ट लाजवाब है और बहुत ही जूसी है। बब्बू कोशा ट्राई करते हैं। भैया आपके फ्रूट्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। आप ये रोज खरीदते हैं फ्रूट्स? हाँ जी। सारे फ्रेश फ्रूट्स रखते हैं आप? गंदा कोई फ्रूट नहीं का, साफ रखते हैं जी। अमेजिंग। तो दोस्तों जो लोग पंचकुला में रहते हैं, पंचकुला के आसपास रहते हैं वो आ सकते हैं यहाँ पे, सेक्टर 8 पंचकुला। ठीक मेरे पीछे आपको शालीमार मॉल दिख रहा होगा, वहाँ से बस रोड क्रॉस करके यहाँ पर आना है और यहाँ पे आपको मिलेगी टेस्टी टेस्टी फ्रूट चाट। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है, इसको आप एज ए डाइट, अपने डाइट प्लान में आप डाल सकते हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इवनिंग में कुछ फ्राइड या तला हुआ अवॉइड करने के लिए आप फ्रूट चाट खा सकते हैं अपने स्नैक्स आइटम में या जब आपको भूख लग रही है। आसपास बहुत सारे ऑफिसेज भी हैं जो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ के जो लोग हैं रोज़ आके यहाँ पर जो है अपनी वो डाइट पूरी करते हैं और ज़रूर करते हैं। और यार फ्रूट्स के अपने ही फ़ायदे हैं, स्किन बहुत ग्लोइंग लगती है आपकी और फिटनेस फ्रीक लोग जो हैं, जो लोग जिम जाते हैं वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं फ्रूट खाना, तो आप ये फ्रूट चाट यहाँ पर आके खा सकते हैं। और एक लोगों की मिथ होती है कि यार फ्रूट चाट है तो बहुत महंगी होगी, 200-300 की प्लेट, लेकिन ऐसा नहीं है। अपनी इस मिथ को ब्रेक करिए और यहाँ पर आपको मिलती है इतनी बेहतरीन फ्रूट चाट सिर्फ 80 रुपीज़, यानी कि सिर्फ 80 रुपये में आप इसको खा सकते हैं और अपना पेट भर सकते हैं और आपकी ये एक टाइम की मील जो है वो भरपूर है। और मुझे नहीं लगता इसको खाने के बाद आपको अगले 3 से 4 से 5 घंटे के बाद भूख लगने वाली है, तो आप लोग इसको कंज्यूम कर सकते हैं। जो लोग बॉलीवुड में जाना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहते हैं, वो तो भैया ज़रूर आके यहाँ पे खाए और अपनी हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखें क्योंकि फ्रूट्स ही एक ऐसी चीज़ है, ऐसा माध्यम है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और मुझे लगता है कई बच्चे जो पीजीज़ में रहते हैं, जो रेंट पे रहते हैं, अभी हमें आदत होती है ना मम्मी घर में फ्रूट काट के देती है, लेकिन उनके लिए जिनको आदत नहीं है फ्रूट काटने की, जो बहुत मेरी तरह थोड़े से लेज़ी होते हैं, तो मैं तो यहीं पे आगे फ्रूट चाट खाती हूँ और आप भी यहाँ पर ज़रूर आइए और फ्रूट चाट खाइए क्योंकि लोकल के लिए वोकल होना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है।